नमस्कार आपन देखछन अर्गस अपडेट आपन सह मोबिस्मी प्रथम हेडलाइंस देशरे 24 घंटे 47,000 नुआ पॉजिटिव महाराष्ट्र रे पूरी सर्वाधिक 28,600 केस 8 राज्य रे गोटिए दिन रे संक्रमित को संख्या 1000 अधिक 277 विरुद्ध एप्रिल पै केंद्र रो गाइडलाइन टेस्टिंग ट्रैकिंग एवं ट्रेसिंग को गुरुत्व आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ावा को राज्य गुड़ी को निर्देश एप्रिल पहला 45 रु अधिक वयस्क को दिया टीका से अंतर्जातीय विमान चलाचल लगला कटकणा मालकानगिरे बड़ जात्रा बड़ कटकणा कोरोना गाइडलाइन को नहीं अधिक सख्त है प्रशासन राज्य बाहर आसिले 7 दिन क्वारंटाइन बाध्यतामूलक 31 जाए नाइट कर्फ्यू लागू दंता नेला दुई जीवन संबलपुर सदर रेंज झांकरापाली अघटन सोइथिबा समय रे घर भांगी आक्रमण कला हाथी वन विभाग कर्मचारी स्थिति अनुध्या कथा न शुणिले मोटु बदली पुलिस बाबूंकु विधायकंक नाली आखि विवाद रे बिजेडी विधायक बेमकेश राय बांसोडा थाना एसआईंकु धमक देउथिबा ऑडियो भाइराल डीजीपीक पाखरे बसी हैरान करबाकु धमकाउछन्ति चांदवाली एमएलए जलुची जंगल बौद्ध वनखंडर पांचटी रेंजर निहांक आयत कला वन विभाग मुहांमुही हेले वन विभाग एवं केन्दुपत्र विभाग केन्दुपत्र विभाग निहां लगाउथिबा अभियोग आणिले वन विभाग राजधानी सैतान स्वामी 7 वर्ष धरी पत्नी को बंद कर चलाइला सेक्स रैकेट राजी नहले जीवन मार उद्यम अभियोग एतला पर स्वामी चंदन को गिरफ्त कला पुलिस विजय सह अभियान आरंभ पुणे दिल्ली के भारत विजय 66 रन रे इंग्लैंड को हरायला भारत 3 मैच विशिष्ट सीरीज रे 1-0 भारत आगुआ मलकानगिरी जोरदार है कटकणा बाहर राज्य मलकानगिरी जिला को आसिले गृह संगरोध में रहा बाध्यतामूलक एने जिला प्रशासन पक्षर नियम लागू कर बाहर राज्य आसुवा व्यक्ति मानक 7 दिन गृह संगरोध में रहा जिलापा डॉक्टर वाई विजय एक गाइडलाइन जारी करते जिले में बड़जात्रा आरंभ होता बेले बड़जात्रा समय जिला को बाहर राज्य अनेक भक्त आसवर संभावना रही है तेज अन्य राज्य में वर्तमान कोरोना संक्रमण बढ़िवे लगी दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्ष पदक्षेप नियम उल्लंघन कले संपृक्त व्यक्ति विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सूचनाजोग्य बड़जात्रा पालन समय कोविड संक्रमण को आशंका कर जिला प्रशासन पक्ष मंगलवार राति 9 आसंता 31 तारीख मध्यरात्रि पर्यंत कर्फ्यू जारी कर मलकानगिरी जिला प्रशासन वर्तमान निष्पत्ति नहीं नाइट कर्फ्यू पाई 31 मार्च रात जाए चलो आगे जो बड़जात्रा चलती वर्तमान आगे कोरोना परिस्थिति जहाँ अच्छी दृष्टि रखी जिला प्रशासन निष्पत्ति नहीं पुलिस प्रशासन तरफ थोड़ा एनफोर्स करनफोर्स करुच्छू जिलावासी को आम अपील रोचे जिला प्रशासन निष्पत्ति को सम्मान देवे और आमको सहयोग करेंगे यार मेन इंटेंशन ये रोचे कि एबे आमर बड़जात्रा करके जो ट्राइबल फेस्टिवल अच्छी 8-10 दिन पर्यंत ये नॉर्मली फेस्टिवल चले या भितर गोटे प्रोसेशन आसीबो प्रोसेशन आसिक मलकानगिरी रहिबो रहिला राती समय रे नॉर्मली यार देसी या नाटक बलिया हुए तो तेनु प्रबल सेठी गहली हुए तीन राज्य रु आम राज्य ओडिशा छाड़िकी छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश रु भी लोक माने आसंती सेठी नॉर्मल समय रे ताको लाख लाख ये गहली हुए इते लोक माने आसंती तो हमें ये आलोचना करथिलु जहतु अन्य राज्य रे भी केसेस बढ़ुची एस्पेशली छत्तीसगढ़ रे लोक माने अधिक माने आसंती सेठी सबुदिन हमें देखि पारुचु कि 1,000, 1,500 या 2,000 पर्यंत नुआ नुआ केसेस आसुची नुआ स्ट्रेन भी आसिला हमको भी गोटे डायरेक्शन आम भी देखी पारुचु कि ये टिके अधिक इन्फेक्शियस स्ट्रेन अच्छी तेनु हमको टिके ये मेजर नेलु पब्लिक दृष्टि हमें नहीं कि याको नाइट कर्फ्यू कले तो टिके भल बाबद हमें याको प्रिवेंट करी पारु देशरे वृद्धि पाउछि कोरोना संक्रमण एहाको दृष्टि रखि एप्रिल मास शेष पर्यंत अंतर्जातीय विमान चलाचल उपरे कटकणा लगाइछन्ते केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय डीजीएससी पक्षर एने विज्ञप्ति जरिया रे एने सूचना दिया जाइछि अंतर्जातीय विमान सेवा बंद रहिथिबा मध्य स्वतंत्र विमान चलाचल को मंजूरी मिलिब एतिसह परिवहन विभाग चलाचल रे कोनोसा समस्या उपजिब नाही बोली डीजीसीए पक्षर सूचना दिया जाइछि किछि दिन धरी कोरोना संक्रमण 40,000 उपरे रहिथिबारु पदक्षेप नैछन्ति केन्द्र सरकार एथि पई जारी होछि एप्रिल मासर गाइडलाइन
नुआ संक्रमित संस्पर्श आसीथिबा व्यक्ति को संगरोध में रखा को निर्देश दिया जाय छे। देश में वृद्धि पाउथिबा कोरोना संक्रमण मामला को नहीं केन्द्र सरकार पक्ष तत्परता प्रकाश पाई। केन्द्र गृह मंत्रालय पक्ष एप्रिल मास पई नुआ गाइडलाइन जारी करा जाय छी। गाइडलाइन रे टेस्टिंग ट्रैकिंग एवं ट्रेसिंग को अधिक गुरुत्व देवाक राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल गुड़िक निर्देश दि जाए। एथसह जो राज्य गुड़िकर आरटीपीसीआर टेस्ट कम होठार यह बढ़ावास 70% पर्यंत वृद्धि करने को निर्देश दि जाए। देश में नुआ संक्रमण मामलार वृद्धि पाइबास स्थानीय कटका लागू करे केन्द्र नुआ गाइडलाइन जिलास्तर एवं स्थानीय कटका को सहमति प्रदान करे अंतराज्य एवं राज्यराज्य मध्य जी एवं सामग्री परिवहन उपरे कोनोसी कटकणा लागू करा जाई पारिबो नाही। एथिसह पड़ोसी देशरु आसुथिबा सामग्री गाड़ी उपरे मध्य कोनोसी कटकणा लागू हेबो नाही। एथिपई कोनोसी प्रकार अनुमतिर आवश्यकता नथिबा गाइडलाइन स्पष्ट करा जायछे। एप्रिल 30 चाहे गाइडलाइन बलवत्तर रहिबो। कोविड कटकणा मध्य मार्च 30 रु गड़ीबा पैसेंजर ट्रेन यात्री असुविधा को दृष्टि रखी भुवनेश्वर केन्दुझरगढ़ एवं भुवनेश्वर एवं पुरी यास अनुगुल पुरी मध्य मेमू ट्रेन चलाचल कर पुरी हाटिया पुरी संबलपुर एवं पुरी पारादीप मध्य गड़ीबा स्वतंत्र ट्रेन भुवनेश्वर केन्दुझरगढ़ मेमू ट्रेन मार्च 30 रु अपराह्न 4:35 रे भुवनेश्वर छाड़ी राति 9:35 रे केन्दुझरगढ़ पहुँचब। तेज केन्दुझरगढ़ भुवनेश्वर मेमू ट्रेन सकाळ 6:30 रे केन्दुझरगढ़ बाहरी दिन 11:05 रे भुवनेश्वर पहुँचब। सेपरी पुरी अनुगुल मेमू एप्रिल 5 रु अपराह्न 4:45 रे पुरी रु बाहरी राति 9:30 रे पहुँचब। अनुगुल पुरी मेमू सकाळ 5:45 रु अनुगुल बाहरी सकाळ 10:20 रे पुरी रे पहुँचब। कोरोना टीकाकरण बड़ निष्पत्ति नहीं केंद्र सरकार कोरोना टीका नेबा पूर्वर थिबा गाइडलाइन परिवर्तन करिछंती केंद्र सरकार एनिकि 45 वर्ष लोकों को मिलिबा कोरोना टीका। सोमवार मोदी कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करिछंती। आसंता एप्रिल 1 रु वैक्सीनेशन को आहुरी व्यापक करा जिवो। 45 रु अधिक वयस्कों को टीका कोरोना टीकाकरण को नहीं एक बड़ घोषणा करिछंती केन्द्र सरकार। आसंता एप्रिल 1 रु देश में 45 वर्ष बयसरु ऊर्ध समस्त नागरिक को दिजिव कोरोना भैक्सीन एने आज केन्द्रमंत्री प्रकाश जावडेकर घोषणा करने सह योग्य हिताधिकारी टीकाकरण पंजीकरण करने को निवेदन करिछंती। वर्तमान 60 वर्ष रु ऊर्ध एवं 45 वर्षीय व्यक्ति जो मानकर अन्य गंभीर शारीरिक समस्या रही कोरोना टीका दि जाऊँगी किंतु एप्रिल 1 पर नियम रही 45 वर्ष रु ऊर्ध समस्त व्यक्ति कोरोना टीका नेबाकु योग्य हेबे। कोरोना भाइरस टास्क फोर्स एवं विशेषज्ञों परामर्श आधार रे कैबिनेट एही निष्पत्ति नेइछि बोली केंद्रमंत्री कहिछंती। सो फ्रॉम 1 अप्रैल एनीबॉडी हु इज ओवर 45 एज विल गेट वैक्सीनेशन इवन दो ही हैज नो कोमॉर्बिडिटीज। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। तेबे देश में एजावत 4,85,00,000 लोक कोविड टीकार प्रथम डोज नहीं सारी 80,00,000 लोक द्वितीय डोज नहीं सारी। कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु टीकाकरण द्वारा संक्रमण को कम करने नहीं लक्ष्य रखी 45 वर्ष रु ऊर्ध समस्त व्यक्ति को कोरोना टीका देवा को निष्पत्ति नहीं केन्द्र सरकार। पूर्व भली जो मान सरकारी टीकाकरण केन्द्र में टीका ने कौन देय देवा पड़े ना हेले घर टीकाकरण केन्द्र में टीका ने 250 टका दे टीका ने पड़ो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
दंता आक्रमण में दुई मृत संबलपुर सदर रेंज झांकुरापाली सेक्शन अंतर्गत कुढ़ेनिशा गाँव में देखा मिली एभली अभावनीय घटना घटनास्थल में जनकर मृत्यु होता बेले अन्य जनकर संबलपुर जिला मुख्य चिकित्सालय में मृत्यु घटे मृतक मैंने अताबिरा ब्लक जूनियन गाँव तेलेंगा उरामा एवं जयलाल मिधावरी जमापड़ी पर खबर पाई सदर रेंज कर्मचारी घटनास्थल को पहुंची स्थिति अनुध्यान करते सूचना जे दुई मृत व्यक्ति ठिका संस्था पक्षर कार्य करुले उभय शोवा घर को दंता आक्रमण कर घर भांगा सह दुई को दली घर बारंडारे बसी मोबाइल देखुवा समय युवकों अतर्कित आक्रमण गंजाम जिला बेगुनियापड़ा फांडी अंतर्गत तालसर ग्राम से देखा मिली एभली घटना ग्रामर निरंजन भूं निज घर बारंडारे बसी मोबाइल देखुवा बेले से ही ग्रामर टुलु स्वई हठात एक खंडा धरी आक्रमण करते निरंजन गुरुतर अवस्था सुमंडल मेडिकल चिकित्सित होता बेले आक्रमण कारण एपर्तंत जमापड़ना सेपटे घटनास्थल में एपरी आक्रमण घटना को नहीं ग्राम उत्तेजना लग रही बेले तालसर ग्राम से बेगुनियापड़ा पुलिस पहुंच लोक बुझासुझा करने घटना तदंत कर फांडी अधिकारी कहते आसवा परवर्त खबर को श्रीमंदिर कड़ाकड़ी हेब कोविड कटकणा मास्क सानिटाइजर व्यवहार और सामाजिक दूरता रक्षा करने गुरुत्व देव प्रशासन श्रीमंदिर सानिटाइजर करने सप्ताह गोटे दिन श्रीमंदिर दर्शन बंद रखा गतकाली छतसा निजोग बैठक में प्रस्ताव आसंता दिने दुई दिन मध्य श्रीमंदिर प्रशासन एने चूड़ा निष्पत्ति नहीं पारे कोविड संक्रमण को दृष्टि रखी भक्त मानक मधे सामाजिक दूरता रक्षा करने प्रशासन नवेदन कर समस्त सेवायत मानक टीकाकरण कार्य सामिल करने निष्पत्तिपर आगक रथजात्रा थी रथ निर्माण में नियोजित भोई और महाराणा सेवकों समय पूर्व टीकाकरण कर तेज संपर्कित अधिक सूचना पर आम सहित पूरी सीधासलख जन प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आलोक पुणी से सामान स्थित देखा मिली ट्रिपल टी को पुणि थे प्राधान्य दि जाऊँगी तेज जहाँ सूचना रही श्रीमंदिर कड़ाकड़ी हेब कोविड कटक तेज प्रशासन पक्ष कौन सब क्यों क्यों अधिक गुरुत्व दि जा निश्चित विस्मी आप जानते वर्तमान सर्वसाधारण दर्शन जारी रही जेहेतु ओडिशार किसी जिले में कोरोना वर्तमान काय विस्तार कर चलती और कोरोनार प्रादुर्भाव बढ़ी चलती से श्रीमंदिर प्रशासन जिला प्रशासन वर्तमान चिंतार पड़ जाइए कहीं दूर दूरांतर भक्त श्रद्धा मैंने आसी श्रीमंदिर भितर को जाऊँच महाप्रभु को दर्शन करशेषकर जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट बाध्यतामूलक कर किसी मस पूर्व ताक संपूर्ण हटे दी जाइए जहाँफल कि सेवायत मैंने वर्तमान चिंतार और विशेषकर प्रशासनिक अधिकारी मैंने बहुत कि चिंतार कारण जदि सेवायत मैंने कोरोना द्वारा संक्रमित हे तेज निश्चित भाव में महाप्रभु नीतिकांति प्रभावित हो पाए से ही परिप्रेक्षी गत का छत्तीसा निजगर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार का अध्यक्षता होता पूरी जिलापाल पूरी एसपी छत्तीसा निजोगर समस्त सदस्य उपस्थित थे विशेषकर आम कह दोल पूर्णिमा नीति निर्घंट चूड़ा तो मोहर बासला कितु बड़ प्रसंग रही है जेहेतु श्रीमंदिर को लक्षाधिक भक्त श्रद्धा को सुव छुटिले तो किभली भाव में संक्रमण को एड़े दि जाए विशेषकर फोकस रखाई है आम आलोचना करवा विस्मी आम सहित जोड़ छत्तीसा निजोगर सेवायत गौरवरी प्रधान आज्ञा सब बड़ कथ हूँ आशंका आशा एवं अनेक मात्र उज्जीवित हो भक्त श्रद्धा मैंने अहेतुक मात्र छुट्टी चलते जहाँफल मंदिर प्रशासन मुंडविंधार कारण पलटिला श्रीमंदिर भितर तो आम जहाँ देखीचु परिलक्षित करते सोशल डिस्टेंसिंग मानि रखा ये सहजोग हो पड़ूना भितर काट हो कि बाहर काट हो तो कौन निष्पत्ति निगला जो श्रीमंदिर बंद रप्ताह को गोटे दिन तार कौन निष्कर्ष बाहर के बंद रही जय जगन्नाथ काली आम छत्तीसा निजोग बैठक में कोविड विषय में बहुत मुखानुमुखि आलोचना ओडिशा जो भाई भाव दिनक दिन कोरोना बढ़ी चलती तापाई सप्ताह के गोटे दिन रविवार दिन एप्रिल मास बंद कारण ये गत आसंता रविवार जेहेतु दोल पूर्णिमा पड़ुची तेणुक से दिन छाड़ नेक्स्ट रविवार आमर बंद कर दिन हूँ चूड़ा निष्पत्ति जिलापाल जहाँ कहते निष्पत्ति प्रशासनिक स्तर में निष्पत्ति केवे बंद कर पूर्व नजर रही रविवार श्रीमंदिर बंद रहे कारण भक्तों गहली अहेतुक मात्रा वृद्धि पाई नहीं रविवार दिन डिसाइड हो जाए
ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ସାନିଟାଇଜ୍ ନକଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ରବିବାର ଦିନ ଏତେ ଅଧିକା ପରିମାଣର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ସାନିଟାଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯୁବ ମିଟିଂରେ କାଲି ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରପର୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିହାରି ସେବକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ସତର୍କ କରିବାକୁ, ସଚେତନ କରିବାକୁ, ସେମାନେ କେତେ କେତେ ବାଟ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଆଜିର ଦିନରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ଆଉ ପଢ଼ିଆରି ଯେଉଁ ଆମର ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଳନ କରିବେ ସେ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ପାଇଁ କାଲି ଆମର ମିଟିଂରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପତିଆ ନିଯୋଗମାନେର ସଭ୍ୟମାନେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଭୋଇ ସେବାୟତ, ମହାରଣା ସେବାୟତ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେବାୟତଙ୍କର ତ ଟୀକାକରଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କରାଯିବ? ଗତକାଲି ମିଟିଂରେ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଲା ଯେ ମହାରଣା ସେବକ ଓ ଭୋଇ ସେବକ ଯେହେତୁ ରଥରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି ରଥ ତିଆରି କରିବାରେ, ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଟୀକାରେ କାଲି ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡିସାଇଡ଼ କରାଗଲା। ଏବଂ ଆମର ପରିବାର ଯେଉଁ ସେବାୟତର ପରିବାରମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ବି ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ଆମର ଡିସିସନ୍ ନିଆଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଲକଡାଉନ୍ ଦେଖିଛି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦେଖିଛି, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦେଖିଛି ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ପ୍ରତି ଛକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ତ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା, ପ୍ରପର୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ, ରବିବାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏହି ରବିବାର ଯେହେତୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଛି, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଠାରୁ ତା ପର ରବିବାର ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ରବିବାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିସ୍ମୟ ନିହାତି ଆଲୋକ, ଛତିଶଗଡ଼ ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ କୋଭିଡ କଟକଣା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଗରମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଝରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ କୌଣସି କାମରେ ଉମରକୋଟ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆହତଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଉମରକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଝରିଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ମଟରସାଇକେଲ ଗଡ଼ି ତ ପୁରା ରାସ୍ତା ପକ୍କା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠେଇବା ବି କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିଲି, ଆଉ ସେ ପିଲା ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଡ଼ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଣିକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ମାଇନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ରେଫର କରାଯିବ। ତା'ର ୱେର୍ ଆବାଉଟ୍ସ ସେ ପିଲାର ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ସେ ଖାଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଉମରକୋଟରେ, ସେ ତା'ର ବାପାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯିବ କୋରାପୁଟ। ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟ ସରକାର। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ୁଆ ସୂତାର କ୍ଷୟ ଏବେ ଅନେକ ଦୂର ଲମ୍ବିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାଣି। ଏସବୁ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନଭିସ୍। ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର, ବଟି ଆଦାୟର ଅଡୁଆ ସୂତାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନା ଏନ୍ସିପି ମେଣ୍ଟ। ମୁମ୍ବାଇ ବଟି ଆଦାୟ ଘଟଣାରେ ହୋଇପାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନଭିସ୍। ବିଜେପି ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଖସିଯିବାକୁ ଶିବସେନାର ଚାଲ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଡୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟ ସରକାର।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଡୁଆ ସୂତାର ଖିଅ ଏବେ ଅନେକ ଦୂର ଲମ୍ବିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାଣି। ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଏନ୍ସିପି ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ଦେଇଥିବା ସଫାଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି ଫଡନାଭିସ। ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପାୱାର, ଯାହା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ କଲେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଏ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଫଡନାଭିସ। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଏକ ର୍ୟାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହିତ ନିଜ ପାଖରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସେ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଫଡନାଭିସ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଔର ଇସଲିଏ ମୈନେ ଆଜ ଶାମ କୋ ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ହୋମ ସେକ୍ରେଟରୀ କି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଙ୍ଗି ହେ। ଇସ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କେ ବାଦ ମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜାନେ ବାଲା ହୁଁ ଔର ୟେ ପୁରୀ ଜାନକାରୀ ମେ ହୋମ ସେକ୍ରେଟରୀ କୋ ଦୁଙ୍ଗା ଔର ମେ ଉନସେ ନିବେଦନ କରୁଙ୍ଗା। चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे। पूर्वरु मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का चिट्ठी महाराष्ट्र राजनीति में हटचमट सृष्टि कर सारी। से गृहमंत्री अनिल देशमुख बटी आदा घटनार मुख्य खलनायक जमापड़ शरद पवार निज दल नेता बचाई मिछर आश्रय नहीं बेले एवं से ही घटना को नहीं शिवसेना एनसीपी मेट रही प्रश्नवाची सृष्टि। परमवीर सिंह निजक बलिका बकरा सब्यस्त करने को घटनार सीबीआई तदंत सुप्रीमकोर्टर द्वारस्थ होता बेले शिवसेना एवं गादी बचाई को जा एसबु घटना पचर बीजेपी हाथ अच्छी मिछ अभोग आटी आदाय घटनार अन्यतम मुख्य अभियुक्त पुलिस अधिकारी सचिन बेस अफिश्रु एनआईए टीम एक डायरी जबत करे घटना पचरे मनी लॉन्ड्रिंग परी अपराध घटी प्रमाण मिली। संपूर्ण अड़ुआर एवं छंदी हो पड़ी पूरा घटना। सीबीआई तदंत हेले सबु रहस्यर पर्दाफाश हो ब्यूरो रिपोर्ट। समस्त अच्छे बुलेटिन रखा अधिक आपड़ भिजिट करेंगे वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।